समुद्र की गहराई में एक ऐसी जगह मौजूद है जो इतनी डरावनी है कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये निषिद्ध समुद्र है। वे एक मजबूत अवरोध द्वारा अलग किए गए हैं जो किसी भी प्राणी को पास आने से रोकते हैं। लेकिन केवल मरीना, एक जिद्दी जलपरी, हमेशा इस समुद्र के रहस्यों का पता लगाने के लिए इतनी उत्सुक रहती थी। मैंने इस समुद्र का हर कोना छान मारा है, केवल निषिद्ध समुद्र ही बचा है और मुझे इसे जीतना ही होगा। तुरंत मरीना ने अपनी इच्छा साझा करने के लिए अपने प्रिय अजूर की तलाश की। अजूर, मैं निषिद्ध समुद्र के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। अगर हम साथ मिलकर इसका पता लगाएं तो आप क्या सोचते हैं? लेकिन वो बहुत खतरनाक है, कई जीव अपने आप में ही प्रवेश कर गए हैं और कभी वापस नहीं लौटे। आप कहो तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वे दोनों दिन रात बिना थके तैरते रहे और अंततः बैरियर पर पहुँच गए। मरीना अब और इंतजार नहीं कर सकी और तेजी से उसके पास पहुँची। सावधानी से मरीना धीरे धीरे आगे बढ़ी और बैरियर को छू लिया। मरीना, बहुत देर होने से पहले हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। चुप रहो। मरीना ने अवरोध को देखा और समुद्र की ऊर्जा को बुलाया। मरीना ने बैरियर पर जादू कर दिया और तुरंत बैरियर टूट गया। मरीना और अजूर आसानी से समुद्र की गहराई में बहुत नीचे तक तैर गए। मैं निश्चित समुद्र में कदम रखने वाले पहली व्यक्ति बनने वाली हूँ। अचानक एक ध्वनि गूंजी जिससे समुद्र में मंथन हुआ। उसे छोड़ दो। अजूर ने तुरंत मरीना को राक्षस से दूर खींच लिया। अजूर पर कब्जा करते समय ऑक्टोपस ने उस पर जहर छिड़क दिया। मरीना को धीरे धीरे होश आया। वो ऑक्टोपस को गायब देखकर चौंक गई। केवल अजूर को वही पड़ा हुआ देखा। मरीना जल्दी से अजूर के पास गई और उसे निषिद्ध समुद्र से बाहर ले गई। एक सुरक्षित स्थान पर मरीना अपने प्रियजन को खतरे में देखकर दर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे क्षमा करो, ये सब मेरी वजह से है। उठो अजूर। अचानक मृत्यु के देवता पाताल लोक प्रकट हुए। वो है जो इस समुद्र में मृत आत्माओं को नियंत्रित करता है और एकत्र करता है। अजूर, यहाँ आओ। हेज ने तुरंत अजूर की आत्मा को एक कंटेनर में फंसा दिया। कृपया उसे मत ले जाओ, सब कुछ मेरी गलती है। मुझे उसे बचाने का एक मौका दो, भले ही इसके लिए मुझे अपने जीवन का सौदा करना पड़े, मैं इसे स्वीकार करूंगी। मृतकों को पुनर्जीवित करना अब तक कठिन है, जब तक आप हजार आत्माओं को इकट्ठा नहीं कर लेते। मैं ये कर सकती हूँ, कृपया इसे मुझे दे दो। इसके लिए मरीना मृत्यु के देवता की दासी बन गई। हेज ने मरीना को एक तेज दराती दी, आत्माओं को इकट्ठा करने का एक उपकरण। अब आप मृत्यु के देवता की तरह दिखते हैं। मरीना ने आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। जब वो यात्रा कर रही थी तो उसकी नजर एक डूबे हुए जहाज पर पड़ी। हो सकता है कि उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया हो, जिससे उनके लिए बाधाओं से बचना मुश्किल हो गया हो। मरीना अजूर को पुनर्जीवित करने के लिए आत्माओं को इकट्ठा करने का अपना काम भूल गई। अचानक मरीना को याद आया। नहीं, मुझे क्षमा करें, मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी, लेकिन मरीना के दिल में अपराध बोध और पश्चाताप का बोझ था। मरीना आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए दराती लेकर चलती रही। वो रंग बिरंगी मूंगा चट्टानों के बीच से तैर निकली। अनजाने में मरीना ने अजूर के बारे में सोचा। अब अजूर सिर्फ एक निर्जीव शरीर है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अपने आप से घृणा है, लेकिन अजूर के लिए मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हजार आत्माओं को इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है।
मुझे अजूर से दोबारा मिलने के लिए गति बढ़ानी होगी। मेरा मौका आ गया है। हाँ? हाँ? सिर्फ जन्म देने के कारण समुद्री घोड़े के पिता का मरीना से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़े के पिता ने हार नहीं मानी और अपनी संतान को बचाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। मरीना ने एक ही पल में कई प्राणियों की जान ले ली। ऐसा लग रहा था कि क्रूरता और बेरहमी ने धीरे धीरे मरीना की चेतना को खत्म कर दिया। उसने आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए हर चीज की उपेक्षा की, यहाँ तक कि उन प्राणियों की भी जिनका मरना तय नहीं था, जिससे परिवार टूट रहे थे और जिंदगियां विलाप कर रही है। मैंने आपके लिए पर्याप्त 1000 आत्माएं एकत्रित की है। शाबाश मरीना, जितना सोचा था आप उससे कहीं अधिक साधन संपन्न है। मैंने मिशन पूरा कर लिया है, कृपया अजूर को पुनर्जीवित करें। तो ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से पुनर्जीवित होने के बाद अजूर अचानक पूरी तरह से अलग हो गया। आपने ये क्या किया? अजूर बेचैन आत्माओं के साथ कंटेनर में फंस गया था, क्योंकि तुमने अनुचित रूप से उसकी जान ले ली थी। तिशोधी आत्माओं ने उन्हें और अन्य आत्माओं को अंधकार में बदल दिया। मुझे मेरी आत्मा वापस दे दो। डरी हुई मरीना ने छिपने की जगह ढूंढी। उसके सामने भयाव्य दृश्य उपस्थित हो गया। अंधेरे के कारण अजूर तेजी से क्रूर और निर्दयी हो गया। मैंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अजूर के जीवन के बदले में हजारों निर्दोष प्राणियों की भी जान ले ली, लेकिन जिससे मैं प्यार करती थी वो अब नहीं है। अपराध बोध से दबी मरीना ने मृत्यु के देवता की तलाश की। कृपया मुझे दिखाइए कि अजूर को उसके पूर्व स्वरूप में कैसे पुनर्जीवित किया जाए। जाओ और 1000 आत्माओं को इकट्ठा करो। नहीं, मैं अब मृत्यु के देवता की सेवक नहीं बनना चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपकी नौकर बनकर बुराई करने के लिए भ्रष्ट होने की बजाय एक सामान्य जल परी बनना स्वीकार करूंगी। यदि आप मृत्यु की देवता की शक्ति छोड़ देते हैं तो अजूर आपको आसानी से हरा देगा। केवल यही तरीका अजूर के अंदर के आक्रोश को शांत कर सकता है। नहीं! हेड्स गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने तुरंत मरीना के दराती वापस ले ली। कोई हथियार न बचने के कारण मरीना ने अपना रूप और मृत्यु के देवता की शक्ति खो दी। आपको इस विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ेगी। अजूर! निर्दोष आत्माओं को रिहा करने के लिए धन्यवाद। अजूर अब अंधेरे से भस्म नहीं हुआ था, लेकिन एक बार फिर अजूर ने अपने प्रिय की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। नहीं अजूर, नहीं! कृपया अजूर को बचा लीजिए। उसके लिए अब कोई जादू नहीं होगा। तो फिर कृपया मुझे अजूर के साथ दूसरी दुनिया में उससे मिलने के लिए गायब होने दो। ये आपके लिए बहुत आसान है। आपकी सजा इस दुनिया में अकेले रहना है। आप अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे और जब आपने पर्याप्त समय सेवा कर ली होगी तभी आप अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिल पाएंगे। मरीना को एहसास हुआ कि अपने फायदे के लिए निर्दोष प्राणियों की जान लेना प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ है, और प्रकृति के नियमों को बदलना, मृतकों को पुनर्जीवित करना असंभव है। निष्कर्षतः नियति को हमेशा आसानी से नहीं बदला जा सकता। उस बड़ी क्षति के बाद मरीना ने दिन रात लगन से काम किया और दूसरों की मदद की, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की आशा में। मरीना का मानना था कि दूसरे दुनिया में अजूर को उसके प्रयासों को देखकर सांत्वना मिलेगी। बहुत समय पहले जब एटलांटिस दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी, अपने बुद्धिमान नेताओं के मार्गदर्शन में उन्होंने एटलांटियम नामक एक दुर्लभ और बहुमूल्य खनिज के रहस्य की खोज की।
जिसका उपयोग उन्होंने दशकों तक शानदार मशीनें और उपकरण बनाने के लिए किया, जो अपने समय के किसी भी तकनीक से कहीं बेहतर था। विशेष रूप से उनकी प्रगति का चरम राजकुमार जेत्रो के शासनकाल के दौरान हुआ, जो मरकोक इतिहास का सबसे असाधारण राजकुमार था। सबसे कम उम्र के राजकुमार होने के बावजूद जेट्रो की महत्वाकांक्षा और असाधारण बुद्धि ने उसे सिंहासन पाने के लिए अग्रणी उम्मीदवार बना दिया। जेट्रो का सबसे बड़ा आविष्कार एक ऐसी मशीन थी जो मेरफोक को बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान भरने में सक्षम बना सकती थी। ये सचमुच शानदार है मेरे बेटे। लेकिन पिताजी, इस मशीन को सक्रिय करने के लिए हमें भारी मात्रा में अंटालियम की आवश्यकता होगी। तो आइए तुरंत समुद्र के नीचे प्राचीन पहाड़ों का खनन शुरू करें, जहाँ पर वो है जो आपको चाहिए। मेरफोक ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि जिस दिन राजकुमार ने गहरे समुद्र के पर्वत श्रृंखला से अटलांटियम निकालने के लिए बटन दबाया, वही दिन था जब पहाड़ ढह जाएगा, जिससे प्रदूषकों का विस्फोट हुआ, जिसने अटलांटिस को भारी प्रदूषित कर दिया और पूरी दुनिया में फैल गया। बचे हुए ईंधन के साथ मेरफोक तुरंत अपनी मशीनों पर निकल गया और अंतरिक्ष में उड़ गया। तब से मेरफोक धीरे धीरे अपने नए वातावरण में ढह गया। उन्होंने धीरे धीरे वहाँ के जीवन को अपना लिया और एटलनवर्स नामक एक नए राज्य की स्थापना की। केवल कुछ सौ वर्ष में एटलनवर्स की सभ्यता शानदार ढंग से विकसित हुई। मेरफोक ने न केवल शानदार और आधुनिक संरचनाएं बनाई, बल्कि अपने शोध को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में नए ईंधन स्रोत की खोज भी जारी रखी। अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए मेरफोक को अपने शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपने कानों पर एक श्वास सहायता मशीन पहननी पड़ती थी। उसी समय उनकी मछली की पूंछों को मशीनरी में बदल दिया गया, जिससे वे गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने और अंतरिक्ष के शून्य में स्वतंत्रता रूप से घूमने में सक्षम हो गई। हालांकि आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। एटलनवर्स के प्रतिभाशाली वंशज गाइलिया ने इसे सबसे स्पष्ट रूप से देखा। हम इसे हर महीने करते हैं, फिर भी हमें तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। कब खत्म होगा? गायन उनकी तरह की एक पवित्र परंपरा थी। कई पीढ़ियों तक संगीत का प्रेम उनके वंशजों के खून में गहराई तक बहता रहा। लेकिन क्योंकि उसे सांस लेने में सहायता करने वाली मशीनें पहननी पड़ी, उनकी पूंछों को मशीनरी में बदल दिया गया, वे कमजोर होते जा रहे थे और अब लगभग कोई भी नहीं गा सकता था। वे अपने जीवन को लंबा करने के लिए मशीनों पर निर्भर थे। डीलिया, लापरवाह मत बनो, हम एटलानियन नहीं हैं, एटलनवर्स लोग हैं। 15 वर्षों से मैं किस लिए अध्ययन और शोध कर रही हूँ? हमारे एटलनवर्स लोगों को बचाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ, इस पूछ के साथ, इस निर्भरता के साथ, क्या हम अभी भी मेरफोक हैं? एटलनवर्स की उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद इसे एक बार फिर एटलांटियस के समान भाग्य में पड़ने के जोखिम का सामना करना पड़ा। ईंधन खत्म हो गया है और इस दर पर हम केवल एक और सप्ताह तक जीवित रहेंगे। हम अब और संकोच नहीं कर सकते, कृपया मुझे समय यात्रा मिशन पूरा करने दे। लेकिन मशीन अभी तक पूरी नहीं हुई है, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? ये सफल होगा, विफलता के लिए कोई जगह नहीं है। अतीत के गलतियों को सुधारने के लिए रॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बचा हुआ सारा ईंधन एक टाइम मशीन बनाने में डाल दिया। और डाइलिया को इस महान मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो मशीन का उपयोग करके वापस एटलांटिस की यात्रा कर रही थी।
डायलिया के कंधों पर बोझ और भारी दबाव तुरंत गायब हो गया क्योंकि उसने खुद को समुद्र में डुबो दिया। ऊंची मूंगी चट्टाने प्रकृति के विविध प्रजातियां और अपने सांस लेने के उपकरणों को फेंकने के बाद भी डायलिया अभी भी स्वतंत्र रूप से शुद्ध और स्वच्छ ऑक्सीजन के साथ सांस ले सकती थी। उसने खुशी से प्रकृति और जीवन के प्रति अपने प्रेम के बारे में गाया। उसके गायन ने प्रतिभाशाली राजकुमार जैत्रो का ध्यान आकर्षित किया जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन प्राचीन पहाड़ियों की ओर जा रहा था। हालांकि जिस चीज ने उन्हें वास्तव में चौंका दिया था वो डायलिया की प्रौद्योगिकी की पूछ थी जो उनकी समझ से परे थी। ये नहीं हो सकता, आप अटलांटिस से नहीं है। ये महसूस करने पर कि उसके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल इतिहास के राजा जैत्रो जैसा दिखता है, डायलिया ने तुरंत अटलांटिस की अपनी उपस्थिति का कारण और अपनी पृष्ठभूमि बताई। तो आप कह रहे हो कि मैं आपका पूर्वज हूँ? खैर, शायद दूर का। फिर गार्ड्स, उस पर नजर रखना सुनिश्चित करें और उसे हमारी योजना को बर्बाद न करने दें। ऐसा नहीं था कि जेट्रो को भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था। वास्तव में उसे स्वयं प्राचीन पर्वत के खनन के सुरक्षा के बारे में संदेह था, लेकिन उनमें अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की इच्छा शक्ति की कमी थी। जेट्रो को अपने भविष्य की स्थिति और वो सब कुछ खोने का डर था जिसे उसने कड़ी मेहनत से बनाया था। ये ठीक रहेगा, मैं उस विनाश को आसानी से रोक सकता हूँ जिसके बारे में लड़की ने बात की थी, है ना? जेट्रो के चले जाने के बाद अटलांटियम के खनन प्रणाली प्राचीन पर्वत श्रृंखला में गहरी खुदाई के लिए तैयार थी। गार्ड्स के बीच कमजोरी के एक पल का फायदा उठाते हुए डायलिया घटना को रोकने के लिए तुरंत तेज गति से पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़ी। अपने अजीब रूप में अचानक प्रकट होने और मेरफोक के लिए अपरिचित शब्द बोलने के कारण डायलिया को एक समुद्री राक्षस या एक अलौकिक प्राणी माना जाता था। दोनों ही मेरफोक के लिए एक बड़ा खतरा था। न केवल उन्होंने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया बल्कि शाही सेना ने डायलिया पर अपने हथियार भी तान दिए। उस समुद्री राक्षस पर ध्यान न दें, योजना जारी रखें। डायलिया के प्रयासों को देखकर जेत्रो को एहसास हुआ कि स्थिति जितना उसने सोचा था उससे कई अधिक गंभीर थी। बहादुर लड़की की जिंदगी दांव पर लगाने के बाद राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद से उसे बचाने के लिए दौड़ने का आग्रह किया। जेत्रो को उम्मीद नहीं थी कि वो खुद डायलिया के साथ टाइम मशीन में खींचा जाएगा क्योंकि वे अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। ये क्या, तुम क्या कर रहे हो? अंतरिक्ष यान के अंदर जेत्रो ने फुटेज देखा कि अटलांटिस के लोग विनाश के समय और उसके बाद नए अटलांटवर्स साम्राज्य का निर्माण करने के लिए एकत्र हुए थे। भले ही भविष्य में मेरफोक के पास अधिक उन्नत तकनीकी हो और जीवन आधुनिक हो जाए, असाधारण काम करने के लिए सक्षम हो जाए जिसके बारे में अटलांटिस के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, हम अभी भी सबसे बुनियादी चीज खो रहे हैं, एक रूप में जीने की क्षमता, सामान्य जल परी। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्रूर और अंधेरे पक्ष को समझा। उन्होंने उस मशीन को नष्ट करने के लिए सिंहासन पर अपना अधिकार त्यागने का फैसला किया जिसके लिए उन्हें इतना शोध और प्रयास करना पड़ा। अपने अलौकिक दिमाग के साथ भले ही वे 500 साल अलग थे, जेत्रो और डायलिया अभी भी मशीन की मरम्मत करने और उनके गायब होने के समय को उलटने के लिए एक साथ काम करते थे। समय समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो सामंजस्यपूर्ण दिलों के बीच की अजब भावनाओं को अस्थायी रूप में दबा दिया। जब जेत्रो और डायलिया ने
एटलांटियस पर छलांग लगाने के लिए अंतरिक्ष यान के सभी ईंधन का उपयोग किया तो एटलांटियम खनन मशीन पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। मशीन ने गहरी खुदाई की और पहाड़ के भीतर छोटे छोटे झटके महसूस किए। बहुत देर हो चुकी है, इसे रोकने का एक ही तरीका है। जेथ्रो ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए राजकुमार की प्रतिष्ठा और सम्मान का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। अपने बेटे के असामान्य संकेतों को देखकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को उन्हें रोकने का आदेश दिया। डाइलिया ने भविष्य के अत्याधुनिक उपकरणों के साथ राजकुमार के समय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। डाइलिया के उन्नत भविष्यवादी उपकरणों की मदद से जेथ्रो ने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसे रोकने के लिए खनन मशीन से टकरा गया। इस ऐतिहासिक टक्कर से जोरदार विस्फोट हुआ। हालांकि यह क्षेत्र निर्जन था, फिर भी आसपास के परिस्थिति की तंत्र को ठीक करने में काफी समय लगा। भविष्य की जलपरी, हमने ये कर लिया, एटलांटिस बच गया। आपके शरीर को क्या हुआ? हाँ, क्योंकि हमने अतीत को बदल दिया है, ये संभव है कि भविष्य में मैं ना रहूं। इसलिए जब जेथ्रो ने भविष्य के बारे में उत्साहपूर्वक बात की और पहले अंतरिक्ष यान की मरम्मत की तो डाइलिया चुप रही। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को नहीं पहचानती, लेकिन बेहतर होगा कि आप मेरे बारे में भूल जाएं और जल्द ही आप सचमुच भूल जाएंगे। मुझसे वादा करो, तुम्हें मदद करनी होगी, जलपरी जनजाति बेहतर बनेगी और तुम्हें सचमुच खुश होना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेथ्रो उसे याद रखने और भूल जाने के डर के लिए चीजों को पागलपन से नोट करता है। घटना के बाद राजकुमार भविष्य की जलपरी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में भूल गया। उन्हें सजा भी मिली और वे राजकुमार नहीं रहे। हालांकि जेथ्रो ने टाइम मशीन बनाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया और उन निर्देशों का पालन किया जो उन्होंने स्वयं लिखे थे। हालांकि वो उनका अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन अटलांटियम ईंधन का उपयोग किए बिना ये कार्य अधिक कठिन था। उनके महत्व को न समझने के बावजूद वे 10 वर्षों के बाद मशीन को पूरा करने में सफल रहे। प्रेमी राजकुमार अंततः एक दशक पहले किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए इसमें कदम रख सका। मशीन के दरवाजे के बाहर निकलते ही जेथ्रो का दिल तेजी से धड़कने लगा। हजारों वर्षों के बाद एटलांटिस अभी भी वहां था और दृश्यवली पहले से ही अधिक प्राचीन थी। जल्दी आओ, शाही शोध दल ब्रह्मांड के बाहर जीवन बनाने में सफल रहा है। डाइलिया वापस टीम का नेतृत्व कर रही है। डालिया? अंतर्ज्ञान पर जेथ्रो जल्दी से भीड़ में घुस गया और अनुसंधान दल के उतरने का इंतजार करने लगा। डीलिया प्रकट हुई। उसकी आंखें जेथ्रो पर बरसने से पहले आसपास के वातावरण को देख रही थी। वो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर एक उज्जवल मुस्कान बिखेरी। अलग होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन वो वही मुझे बनाता है, किसी और को नहीं। लेकिन क्या आप में अलग होने का साहस है? मैं हिम्मत करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ क्रुएला। और अब आइए, हमें 1 मिलियन तक पहुँचने में मदद करने के लिए वो फेरी टेल्स चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मुझे बीच में मत रोको। और अब आइए मेरी कहानी शुरू करें। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे त्याग दिया गया था।
एक बार की बात है, एक हलचल भरे छोटे शहर में क्रुएला नाम की एक लड़की थी जिसके दो रंग के काले और सफेद बाल थे, जैसे किसी और के पास नहीं थे। क्रुएला को वेशभूषा का भी विशेष शौक था और वो अक्सर बहुत ही विलक्षण डिजाइन बनाती थी। क्रुएला की माँ कैथरीन को ये विशेष रूप से नापसंद था। एक दर्जी होने के बावजूद मदर कैथ ने क्रुएला के फैशन जुनून को मना कर दिया। यहाँ तक कि जब भी वो बाहर जाती थी तो क्रुएला अपने अनोखे काले और सफेद बालों को छिपाने के लिए एक जादुई हेयर क्लिप का इस्तेमाल करती थी। मदर कैट के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जहाँ भी जाते थे क्रुएला की फैशन प्राथमिकताओं ने उसे ध्यान का परेशानी भरा केंद्र बना दिया। इसे देखो, ये देखो। क्रुएला के विलक्षण डिजाइन में जादुई क्षमताएं थी। पूरे शहर के लिए बहुत 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 परेशानी पैदा कर रहा था। परिणाम स्वरूप क्रुएला को न केवल उपहास का सामना करना पड़ा बल्कि अपने द्वारा किए गए अजीबो गरीब उपद्रव के लिए भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। इसीलिए मदर कैच ने क्रुएला की प्राथमिकताओं पर रोक लगा दी और जोर देकर कहा कि वो हर किसी की तरह सामान्य दिखने के लिए अपने बालों को रंगे। धीरे धीरे क्रुएला अपनी माँ के प्रभाव और गाँव वालों के उपहास के कारण सिकुड़ने लगी। शायद वो इसी तरह जीती रहती अगर ऐसा ना होता। जागो क्रुएला, जागो। क्या हुआ माँ? हमें जाना होगा। लेकिन क्यों माँ? बाद में बात करते हैं, हमें अभी निकलना होगा। क्रुएला के पीछे रहस्यमय लोगों का एक समूह माँ और बेटी का पीछा करने लगा और ऐसा लग रहा था कि उनके आगे भी यही सच है। कोई अन्य विकल्प ना होने पर माँ और बेटी ने व्यर्थ में झाड़ियों के बीच शरण ली। वो कहाँ है? मैंने उसे अभी किसी के साथ देखा था, उसे तुरंत ढूंढो। बेकार लोग। माँ कैट को पता था कि खतरा नजदीक आ रहा है। रुको, अपने बालों को उजागर मत करना, अलग मत दिखना, वे हमें ढूंढ लेंगे और आप खतरे में पड़ जाओगी। अरे यहाँ पर, मैंने उसे ढूंढ लिया। नहीं नहीं। क्रुएला रहस्यमय समूह से बचकर शाही राजधानी की ओर चली गई। लेकिन माँ बेटी अलग अलग हो गई। तब से युवा क्रुएला को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ी जब तक वो एक वयस्क महिला नहीं बन गई। हालांकि क्रुएला को पैसे कमाने के लिए विभिन्न नौकरियां करनी पड़ी। वो अब अपनी माँ के नियंत्रण में नहीं थी, वो अब स्वतंत्र रूप से अपने जुनून को पूरा कर सकती थी। हर रात क्रुएला अपने डिजाइन में पूरी तरह डूब जाती और तभी वो वास्तव में खुद जैसा महसूस कर पाती। कुछ पैसे बचाने के बाद क्रुएला ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दर्जी की दुकान खोलने का फैसला किया। हालांकि लोगों का तिरस्कार पूर्ण रवैया पहले जैसा ही रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कपड़े कितने सुंदर थे। क्रुएला को पता था कि अगर उन्हें पुतलों पर लटका दिया जाए तो वो सब बेकार है। इसीलिए उसने एक साहसी निर्णय लिया। क्रुएला ने एक शाही पार्टी में अपने डिजाइन प्रदर्शित करने का निर्णय किया। वो अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक नौकरानी का भेष बनाकर आसानी से महल में घुस गई। ज्यादा इंतजार किए बिना शाही पार्टी शुरू हो गई। लेकिन कुछ सामान्य नहीं था। मंच पर प्रस्तुति दे रही महिला को देखकर सभी उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वे रहस्यमय तरीके से मंत्रमुग्ध थे। और तभी क्रुएला ने साहस पूर्वक दर्शकों का ध्यान चुराने का फैसला किया। क्रुएला अपने साथ जो मेज पोश लाई थी वो वास्तव में परिधान था। उन्होंने अपनी प्रतिभाशाली उपस्थिति से सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया।
यहाँ तक कि उसने उस अजीब महिला का ध्यान अपने चमकदार प्रदर्शन से भी हटा दिया। क्रुएला ने अपने जीवन में पहले कभी भी खुद को इतना सच्चा महसूस नहीं किया था। जैसे ही उसने अपने लाल बालों का रंग धोया, क्रुएला को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी असुरक्षाओं को धो रही हो और अपने असली स्वरूप में लौट रही हो। वो कौन लड़की है बैरन? वो बिल्कुल अद्भुत है। क्रुएला ने विशेष रूप से शाही फैशन डिजाइनर बैरन का ध्यान आकर्षित किया और काले और सफेद बालों वाली मॉडल रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे वो सामने आई थी। रहस्यमय मॉडल के बारे में अफवाह तेजी से पूरे राजधानी में फैल गई और भले ही कोई नहीं जानता था कि वो हंस जैसी मॉडल कौन थी, जल्द ही उन्हें क्रुएला की लाल बालों वाली सीमस्ट्रेस की दुकान पर डिजाइन की एक सटीक प्रतिकृति मिली। सन की लाल बालों वाले डिजाइनर की प्रतिष्ठा बढ़ गई और स्वाभाविक रूप से क्रुएला को राजा द्वारा तुरंत शाही फैशन डिजाइनर बनने के लिए आमंत्रित किया गया। महल पर लौटने पर क्रुएला को राज्य के सबसे प्रतिभाशाली डिजाइनर बैनर के प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किया गया और कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जिसने हालिया पार्टी में परफॉर्म किया था। किसी कारण से क्रुएला को लगा कि बैरोनेस में कुछ तो गड़बड़ है। बैरोनेस ने एक माँ की तरह उसकी देखभाल की। क्रुएला को बैरोनेस द्वारा बनाए गए डिजाइन में भी अपनापन महसूस हुआ। ओह क्रुएला, वो काली और सफेद बालों वाली मॉडल कौन है? मुझे नहीं पता रानी, वो जब भी कपड़े लेने आती है तो गुप्त रहती है। क्या ऐसा है? तो ठीक है। बाद में बैरोनेस ने क्रुएला से काले और सफेद बालों वाली मॉडल की पहचान के बारे में सवाल करना जारी रखा। लेकिन आपको उसे ढूंढने की जरूरत क्यों है? वो लड़की हो सकती है मेरे लंबे समय से खोई हुई बेटी हो। निश्चित रूप से क्रुएला को ऐसी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह बैरोनेस ने ऐसे सबूत दिए जिन्होंने उस कहानी को हकीकत में बदल दिया। धीरे धीरे क्रुएला को समझ में आया कि बैरोनेस उसे इतना करीबी क्यों महसूस करा रही। बाद के दिनों में क्रुएला का शक यकीन में बदल गया। बैरोनेस ने क्रुएला को अपनी रचनात्मकता को उजागर करने की अनुमति दी और उसने उसकी देखभाल की। क्रुएला ने बैरोनेस के लिए और भी मजबूत भावनाएं विकसित। उसने बैरोनेस को शाही फैशन शो के लिए अपने गुप्त कृति दिखाने का फैसला किया और बैरोनेस ने उन्हें अपने निजी डिजाइन स्टूडियो में चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। यही रुको, मैं और चाय लेकर आती हूँ। डिजाइनों की प्रशंसा करने में व्यस्त रहते हुए क्रुएला ने गलती से तहखाने के एक दरवाजे पर ध्यान दिया। बैरोनेस ने वहाँ और कौन से डिजाइन रखे थे इस बारे में अपनी जिज्ञासा को रोकने में वो असमर्थ रही। क्रुएला ये अनुमान नहीं लगा सकी कि बैरोनेस तहखाने में क्या छिपा रही है। माँ कैट बिना कारण गायब हुई थी, बैरोनेस ने ही उसका अपहरण किया था। उसने झूठ बोला, उसने तुम्हारा अपहरण कर लिया। वे डिजाइन तुम्हारे हैं। मैं उन्हें कैसे नहीं पहचान सकी? मैं नष्ट कर दूंगी। नहीं, तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए। मुझे तुम्हें बचाना होगा। नहीं, अभी तुम जाओ, अन्यथा बैरन, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी माँ को पीछे नहीं छोड़ सकती। बैरन इस आपकी असली माँ है। हे भगवान, तुम मेरे खुद की बच्ची नहीं हो, अभी चली जाओ। तो क्या वो आप है लाल सिर वाली? तुम मेरी माँ नहीं हो? नहीं, वो है। मैं ही थी जो तुम्हें ले गई। अतीत में कैट बैरन की सहायक थी। अपनी प्रतिभा के बावजूद कैट हमेशा दूसरी महिलाओं के साए में रहती है। क्रुएला के भीतर धीरे धीरे प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़ती गई, जिससे उसने कैट का अपहरण करने का फैसला किया। तो क्या आपने ही इसे मना किया था? और मेरे बाल रंगे, मेरी माँ को मुझे ढूंढने से रोकने के लिए तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। मैं उसे कभी नहीं ढूंढना चाहती थी। जब उसने हंसों के समूह के साथ मेरा ध्यान खींचा,
तभी मैंने उसकी तलाश की। मैंने उसे और डिजाइनर को पकड़ने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से दोनों हमेशा मेरे साथ थे। क्यों? क्यों? महिमा और सुंदरता मेरी है। यहीं रुको, मैं तुम्हारे डिजाइन का उपयोग करूंगी। केवल मैं ही उनके योग्य हूँ। डारिन शाश्वत यौवन का रहस्य जानती थी। उसने मनमोहक पोशाकों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, उनके आकर्षण को मोहित कर लिया और इसे अपने चिरस्थायी जादू के स्रोत में बदल लिया। चाहे चाय में नींद की दवा हो या दर्द, क्रुएला निराशा में डूब गई। क्रुएला, क्रुएला, कृपया कर उठो। मदर कैट ने क्रुएला को धधकती फैक्ट्री से बचाया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तुमने कैसे किया? क्या तुमने किया? आप नहीं। मैंने तुम्हारे बालों की क्लिप लगा दी, मैंने ताला तोड़ दिया। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें लौटाने की योजना बना रही थी। आपके अनोखे बाल, बैरन को डर था कि तुम उसकी सुर्खियाँ चुरा लोगी। बैरन को तुम्हारी परवाह नहीं थी। मैं नहीं कर सकी। मुझे तुम्हारे डिजाइन हमेशा पसंद आए। क्या क्या कभी किसी ने कहा आपके बाल सुंदर है? मम्मी, माँ, नहीं, माँ। अब क्रुएला को निश्चित रूप से पता था कि उसका असली परिवार कहाँ रहता है। जहाँ तक बैरन का सवाल है, उसने सुनहरे फूलों वाला गाउन अपने कब्जे में ले लिया और क्रुएला के असाधारण डिजाइन में लिपटा हुआ आकर्षण का केंद्र बन गया। चकाचौंध रोशनी के नीचे ग्राउंड झिलमिलाते सुनहरे फूलों से खिल गया, जिससे सुगंधित खुशबू आ रही थी। फिर भी जबकि बैरन ने दर्शकों को खुशी से मंत्रमुग्ध कर दिया था, क्रुएला एक नए डिजाइन में फिर से प्रकट हुई। कपड़ों के भीतर फंसी मधुमक्खियाँ फूलों की मादक खुशबू की ओर आकर्षित हुई। वे दुष्ट बैरन को दंड देने के लिए झुंड बना चुकी थी। हालांकि बैरन को सजा मिल चुकी थी, क्रुएला का अभी भी एक काम बाकी था। उसे खुद को फिर से खोजने की जरूरत थी। कैसे? ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हें कैट के साथ बंद कर दिया था। माँ ने मेरी मदद की, वो मेरी असली माँ है। बैरन के पीछे की सच्चाई को देखते हुए राजा ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। जहाँ तक क्रुएला की बात है, वो अपने लिए जीती थी, अपनी प्रतिभा को पहचानती थी और अपने सच्चे परिवार की खोज करती थी।